माई से आम आते ही क्वेटा में फलों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। क्या रेट है बता रहे हैं मोहम्मद खालिद जी। बिल्कुल, आज चूंकि पहला रोज़ा है और रोज़ेदारों की पहली तरजीह अफ्तार में के दस्तरखान पे फ्रूट्स को रखने की होती है, ताकि कम से कम अगर वो सारा साल फ्रूट नहीं खाते तो रोज़े के दिनों में फ्रूट से इस्तेफादा हासिल करें, तवानाई हासिल करें। लेकिन क्वेटा की जो फ्रूट्स मार्केट हैं और बाज़ारों में जहाँ भी फ्रूट्स फरोख्त हो रहे हैं उनकी कीमतों में बढ़ा दी जाती हैं। फ्रूट्स जो फरोख्त करने वाले जो ताजर हैं उनका ये कहना है कि मंडी में उसकी जो कीमतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं फ्रूट्स में, और मंडी में ज़्यादा कीमतें होने की वजह से वो बामर मजबूरी फ्रूट्स को अपने मुनाफा लगा के उस कीमतों पे फरोख्त करते हैं। एक ही फ्रूट्स के क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स वसूल किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर रमज़ान के दिनों में इसकी कीमतें दुगनी हो जाती हैं। मुकामी इंतज़ामिया ने 2 रोज़ कबल होने वाले इजलास में ये फैसला किया था कि खाने पीने की जो तमाम अशिया पे जो कीमतें हैं उनमें इस्तेहकाम लाया जाएगा, और इसमें सिलसिले में कोई जो है गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये दावे ही रहे। आज चूँकि पहला रोज़ है, किसी भी इलाके में जो आज से 4 रोज़ पहले या 5 रोज़ पहले जो फ्रूट की जिस कीमत पे मिल रहा था उससे 20 से 30 से 50 रुपये फी किलो महंगा मिल रहा है जी। रमजानुल मुबारक की आमद पर मुनाफा खोरों ने खजूर की कीमत पे होशुबा इजाफा कर दिया है। देखते हैं गुजरावाला से राजा हबीब की रिपोर्ट। रमजान में माह मुकद्दस में खजूर से इफ्तार सुनते रसूल ही नहीं बल्कि हर मुसलमान की ख्वाहिश भी होती है। यही वजह है कि इसकी मांग बढ़ने का मुनाफा खोर भी खूब फायदा उठाते हैं। एक अच्छा खासा खाने पीने वाला बंदा भी जो है वो खजूर से रोजा इफ्तार नहीं कर पा रहा, खजूर इतनी महंगी कर दी गई है। जो पिछले साल 300 रुपए की खजूर मिल रही थी वो इस साल 600 रुपए में मिल रही है। एक खजूर ही थी जिससे गरीब आदमी रोजा इफ्तार कर सकता था। मुल्क में इस साल खजूर की बेहतर पैदावार के बावजूद रमजानुल मुबारक में मुनाफा खोरों ने इसकी कीमतें कई गुना बढ़ा दी हैं। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है कि आम इंसान जो है ना खजूर भी नहीं खा सकता। रमजान शरीफ में इफ्तार के लाजमी जुज खजूर की कीमतों में इजाफे पर शहरी हल्के शिकवा करते दिखाई देते हैं। रमजानुल मुबारक में खजूर की कीमतों में होने वाले इजाफे ने खजूर से इफ्तार के ख्वाहिशमंद अफराद को फिक्र में मुब्तला कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राजा हबीब, आज न्यूज़, गुजरांवाला। सियालकोट में भी रमजान आते ही महंगाई बेकाबू हो गई है। 100 रुपए दर्जन फरोख्त होने वाले केले 200 से 250 रुपए दर्जन हो गए हैं। खाजा रेहान नसीम की रिपोर्ट। रमजान में दस्तरखान फ्रूट चाट के बगैर नामुकम्मल लगता है, लेकिन नाजायज मुनाफा खोरी के बाइस दिन ब दिन इस बाबरकत महीने में फलों का इस्तेमाल शहरियों से दूर होता जा रहा है। रमजानुल मुबारक के आते ही सियालकोट में फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। चंद रोज कबल 80 से 100 रुपए दर्जन मिलने वाले केले अब 200 से 250 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। खरबूजा 200 से 250, सेब 200 से 400, अनार 600, स्ट्रॉबेरी 500 रुपए में फरोख्त की जा रही है। भाइयों ने जड़ी इन्होंने स्कीम कड़ी है, स्कीम इन्होंने अपने वास्ते ही है, किसी गरीब वास्ते कोई स्टाल नजर आ रहे हैं। भाई खरबूजा ही महंगा हो गया, खरबूजा 250 हो गया, ते केला जड़ा वो भी 250 हो गया। फ्रूट ये माल्टा हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, बहुत महंगाई है, क्या करें, जो गरीब है वो क्या करेंगे, बताएं ना हमें। फ्रूट बहुत महंगा है, मंडी बड़ी महंगी है, आम बंदा नहीं खा सकता। शहरी कहते हैं कि फल कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि मंडी में ही फलों की कीमतों को दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रमजान शरीफ तो ना 3-4 दिन पहले ही जड़ी 500 की चीज थी ना 800 की होगी मंडी। मार्केट कमेटी का अमला रेट लिस्ट बना के भेज देता है, जाके बैठे ना भी 100 रुपए दर्जन किलो चीज है ना जी, रमजान ची भी 100 ही बिके। फ्रूट बहुत ज्यादा महंगा वे, इंतजामिया कोई हल करो, कोई मसला जड़ा ना सेट फेट करो। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया से नाजायज मुनाफा खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके फलों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है।